माहौल है और यहाँ पर युवा भी है, बच्चे भी है, सभी है, मगर कोई ठंड नहीं मान रहा है बिल्कुल भी। और आज हम इनसे पूछेंगे 10 फरवरी को जैसे चुनाव है 58 सीटों का, क्या तैयारी है 10 फरवरी को आपकी? तैयारियाँ बहुत है, इस तरह से हमारी तैयारियाँ हैं, एक एक वोट को बाहर निकालना है। और अत्याचारी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये छुनने वाली सरकार और ये मजदूर विरोधी सरकार, हर वर्ग विरोधी सरकार इसको उखाड़ फेंकता है। और इंशाल्लाह 10 मार्च को ये साबित कर देंगे कि 10 मार्च को हमारे प्रिय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री तय है। यानी कि आपका कहना है कि इस बार बदलाव जरूरी है और राम लखन आ रहे हैं 100%। और ये जोड़ी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है और बहुत अच्छा गठबंधन है हमारा और जयंत चौधरी का। और इंशाअल्लाह पूरे बहुमत से आ रहे हैं और 400 पार करेंगे, एक भी सीट नहीं आएगी भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? जी अजय भाई, जैसे कि चुनाव का माहौल है, 58 सीटों पर चुनाव होने हैं 10 फरवरी को, तो आप कैसी तैयारी लेकर चल रहे हैं और एक महा रोड शो भी है आज के दिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या तैयारी आपकी? राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की जन सैलाब बदलाव की तरफ पहुँच चुका है और ये गठबंधन 10 तारीख को ये तय हो जाएगा। बिना स्वार्थ के केवल किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, गरीब पिछड़ा ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन 10 तारीख को तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आने वाला टाइम अखिलेश और जयंत का टाइम, सभी लोगों से गुजारिश है कि 10 तारीख को गठबंधन को प्यार से मोहब्बत से निभाना है। अखिलेश यादव अखिलेश यादव चौधरी अखिलेश यादव, अब उनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? सफीर खान साहब, मतलब जैसे कि आज एक रोड शो है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी का और 10 फरवरी को चुनाव भी हो रहा है 58 सीटों का, तो आप उनको क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या तैयारी आप रोड शो? उत्तर प्रदेश के अंदर इधर भी ये जोड़ी दी गई है, वहाँ पर जन सैलाब उठाएगा और ये जन सैलाब नेता के साथ कम्प्लीट हो जाती है, लेकिन ये सैलाब वोट में कम्प्लीट होगा। और आने वाले टाइम में लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव की। हमारी तैयारी ये है कि हम घर घर पहुँच करके सभी लोग जो भाजपा सरकार है ये सब लोगों को समझाते हैं, उन्होंने हाथ रख में पार्टी के बारे में बताते हैं और आगरा की पार्टी के बारे में बताते हैं। हमारे बस भाई बस ठीक है, हमारे साथ जो कह रहे थे मतलब भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं है। आइए हम बात करेंगे, एक हमारे युवा नेता है सियाने से जम्मू चौधरी, उनसे बात करेंगे। जी जम्मू चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऐसे में, जैसे कि ये महा रोड शो है और काफी सैलाब है, मतलब युवाओं का जोश देखने लग रहा है, क्या तैयारी है मतलब बात करेंगे।
कदर युवाओं में जोश है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव तमाम लोगों के बीच आज तस्वीर ला रहे हैं। लोग पलके बिछाए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और यही फिजा है, यही हवा है जो तब्दीली की ओर लेके जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ रहे हैं और आप एक बात सुनिए, हमारी तमाम क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति ने प्रशासन के आदमियों को नहर पे न जाने कहां कहां खड़ा कर दिया सीमाओं पर, और हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं पर, जैन ज्योति कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये वही कार्यकर्ता है कि हर सीमा लांघ कर आज आदमी क्षेत्र से आने का स्वागत अखिलेश यादव।